गुरु से क्या छुपाना, क्या हो जाएगा, डांट पड़ जाएगी, क्या हो जाएगा, हमारा कुछ ऐश्वर्य छिन जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारी कंफर्ट जोन छिन जाएगी। लेकिन वही चीज़ हमको ख़त्म कर देगी अगर हम गुरु से छुपाएंगे तो, कृष्ण से छुपाएंगे तो। नहीं छुपाना चाहिए, बता दो। हाँ, जो गलत गुरु हैं भाई वो भी तो फायदा उठा सकते हैं। लज्जा धर्म त्याग दो, सुना है ना तुमने प्रसंग, गुरु के सामने कुछ नहीं छुपाना चाहिए, डेरा झूठा सौदा। सो दैट इज, ये तो वास्तव में डेरा झूठा सौदा ही है कि पाखंडी गुरु जो है स्त्रियों का इस प्रकार से उनका अपमान करते हैं, उनका शोषण करते हैं। जब ये कहते हैं ना कि हमें लज्जा धर्म त्यागना है, इसका मतलब हमारी जो कमजोरियां हैं वो छुपानी नहीं है, वो बतानी है। कोई गुरु अगर ये बोलता है मुझसे कुछ मत छुपाओ, तो जो गुरु ऐसा बोले ये प्रमाणिक गुरु है ना। गुरु हमेशा हमारी आसक्तियों को, हमारी कमजोरियों को, इनको एक्सपोज करते हैं, ये उनके सामने रखनी चाहिए। और जो गुरु अकेले में किसी स्त्री से बात भी कर रहा है कि आओ मैं आपकी काउंसलिंग करता हूँ, आइए, हाँ बताइए क्या दुख है आपको, आइए मेरे कमरे में, आइए मैं आपको, आइए हम खेतों के पीछे चलते हैं, वहाँ पर मैं काउंसलिंग करता हूँ आपकी। ऐसे बांगड़ू बदमाश लोग, इनकी तो शक्ल अगर गलती से देख लो तो कपड़े पहने हुए स्नान कर लेना चाहिए। तो दैट इज, ऐसे पाखंडी गुरु की तो हम चर्चा कर ही रहे, ये मान रहे हैं कि अगर कोई प्रमाणिक गुरु है वास्तव में तो प्रमाणिक गुरु से हम अपनी कमजोरियां नहीं छुपाते ऐसा। तो हालांकि यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ तो जो गोपी हाँ लज्जा धर्म का पालन कर रही है, लेकिन कृष्ण के आगे हमें लज्जा धर्म त्यागना है, गुरु के आगे कुछ छुपाना चाहिए। नो लज्जा बताने में, अपनी कमजोरी बताने में कि अकेले में हम चाय पीते हैं, कभी कभी प्याज लहसुन खाते हैं, बता दो खाए थे महाराज, खाए थे। आप त्यागना चाहे त्याग दीजिए, नर्क भेजना नर्क भेजिए, लेकिन आपसे छुपाएंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे गुरु से कभी भी। तो बेसिकली यहाँ पर वो मंशा है। अदरवाइज ऐसे कई लोग हैं जो कि इस दिखा सकते, जिस तरह से गोपियाँ समर्पित थी ऐसे मुझे समर्पित हो जाओ, कहते ठीक है जी एक बार गिरी गोवर्धन उठा दो हम समर्पित हो जाएंगे आपको, बिल्कुल रिट्टो सेम। तो गिरिराज उठाएंगे नहीं, वैसे वो गोपियों वाले सारे प्रसंग कॉपी करेंगे जी। सो दैट इज, ऐसे पाखंडी गुरुओं से बचना चाहिए। चार नियम में से दो नियम होते हैं, दो नियम नहीं उपा रहे, बता दो। हाँ जी, ये दो नियम नहीं उपाते मेरे। सोलह वाला कब से नहीं करते, सोलह वाला मेरी 16 साल से नहीं हुई, बता क्या छुपाना। तो इसलिए छुपाना नहीं चाहिए। तो भगवान यहाँ पर बेसिकली गोपियों के माध्यम से हमको ये सिखा रहे हैं कि हमको भगवान से या गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जो पूछ रहे हैं साफ साफ बता दो। हाँ जी, ऐसा